जो है सो है। जनता की सुरक्षा पर सवाल, आईजी ऑफिस में मिला संदिग्ध बैग, पुलिस स्टेशन से ही चोरी हो रही गाड़ियां, जनता ने उठाया सवाल, क्या ये है सब पुलिस प्रशासन की लापरवाही या बेफिक्री या प्रशासन में टीम की है कमी। कभी कनाड़िया थाने से बाइक चोरी हो जाती है तो कभी आईजी ऑफिस में एक संदिग्ध बैग पाया जाता है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की कमी मानी जाए या पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी मानी जाए या व्यस्तता मानी जाए, इस मुद्दे पर बात करते हैं। हम राजवाड़ा में भी मौजूद है और राजवाड़ा की जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मांग है कि जनता की सुरक्षा के लिए सरकार हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा का व्यवस्था कराए और हमारी गरीबों की और इंसानों की मदद की जाए। दिन दहाड़े लूटामारी हो रही और देश में अमन चैन शांति बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इससे मेहरबानी करके इसको सरकार ध्यान दे और जनता पर बड़ा एहसान करे और हमारी मदद करे और सब तरफ से हमारे सुख शांत भारत में अमन चैन शांति बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार हमारी सुने, हमने जो जनादेश सरकार को दिखाया, जनादेश एक सरकार के प्रति दिया, उससे हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार हमारी गरीबों की सुने और जो भी सुरक्षा है सुरक्षा पर अटल रहे। जो वादे किए थे सरकार ने आने से पहले, हमने इसको जनादेश दिया तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप वादों पर खड़े उतरें ताकि हम आगे भी आपका सहयोग कर सकें और इसमें इस देश में अमन चैन सुकून कायम रहे। जय हिंद। सरकार ने जो वादे करे है उस पर अमल रहे, अगर उसको आप अगर अमल नहीं करना चाहते हैं तो आप आपकी गलतियों को सुधारें या ध्यान करें उस पर, जनता का सेवा करें उन पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार तक ये बात पहुँचाना? सरकार तक बस यही बोलना चाहेंगे कि ठीक से उनका मॉनिटरिंग हो, पुलिस वाले भी टाइम पास ही करते रहते अधिकतर देखते हैं, तो मैं उनकी डिग्निटी पर शक नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस वाले मक्कार होते हैं, पर मैं 80% ठीक काम करते हैं, 20% लोग कैसे ही रहते हैं, कुछ कहीं भी बैठे हुए रहते हैं, ठीक से काम नहीं करते, वो भी उनको भी अवेयरनेस उनके अंदर भी होना चाहिए, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम लगभग सभी दुकानदार पूरा ध्यान देते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद करते हैं, हर काम में सहयोग करते हैं। आज नहीं बरसों से मैं इस राजवाड़े फुटपाथ पर 50 साल से दुकान लगा रहा हूँ और बाकायदा हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता है, जनता के लिए पुलिस प्रशासन बहुत ज़रूरी है। और इससे आगे आप जी कहें क्या बोलूं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन से भी गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, तो सड़क पर तो गाड़ी चोरी हो ही सकती है और आप देख ही सकते हो पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई है भी नहीं, पार्किंग की भी सुविधा ठीक से दी हुई नहीं है उन लोगों ने, कहीं पर भी गाड़ी कोई भी उठा जाता है पता भी नहीं चलता, शाम को जाकर पता चलता है कि गाड़ी पुलिस वाले लेके गए, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देता उनका, ऐसे उठा लेते हैं। प्रॉब्लम तो काफ़ी फेस करना पड़ती है पीपल्स को, पर कर रहे हैं वो लोग कैसे भी करके अरेंजमेंट, समझ रहे पुलिस। इंदौर शहर बहुत बड़ा है, पुलिस प्रशासन बहुत कम है, कम मात्रा में पुलिस प्रशासन बढ़ा जाए, माना आज थाने में 15-20 जने का स्टाफ है, इस जगह 100-200 का स्टाफ हो तो ये जो लापरवाही है ये कम हो जाएगी। मतलब आपके मुताबिक पुलिस प्रशासन को बढ़ना चाहिए ताकि ये जो लापरवाहियाँ हो रही हैं ये कम हो सके। जैसा कि आपने बताया, दरअसल बाइक चोरी एक प्रमुख समस्या के रूप में इंदौर पुलिस थाना कनाड़िया से लेकर के इंदौर पुलिस के जो और भी थाने हैं वहाँ की एक समस्या है। इस संबंध में हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोगों के साथ काफ़ी डिस्कशन भी हुए हैं, एक योजना भी बनाई गई है और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वाहन चोरी खासकर बाइक चोरी इनको रोकने के लिए एक SOP तैयार की गई है, उस SOP के तहत इस पर हम काम करके इस पर रोक लगाएंगे। अभी जो वाहन चोरी हुई है वह रात की घटना है जिसमें कि रात के 10 बजे के बाद से लेकर के सुबह 10 बजे के बीच में किसी अज्ञात चोर के द्वारा उक्त वाहन चुराया गया है। हम ऐसी सभी चोरी की घटनाओं को लिस्टिंग करके और इनकी टाइमिंग वगैरह को एक मैच करके और प्रयास इस पर कर रहे हैं। देखिए, आपने जैसा कि बाइक चोरी का ही बात की है, इसको लेकर के और कुछ और जो इंसिडेंट्स होते आए हैं, यदि मैं सभी को लेकर के जैसा कि आपने सुरक्षा संदेश के लिए बोला, मेरा ये सभी नागरिकों से मेरा ये आग्रह है कि खुद की सुरक्षा के लिए और अपने अपने से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनमें जागरूकता की सख्त आवश्यकता है और जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे वो उनका कार्यस्थल हो चाहे उनका निवास स्थान हो, वहाँ पर अपरिचित
और ऐसे संदिग्ध प्रकृति के जो व्यक्ति उनका मूवमेंट यदि कहीं दिखता है तो उसकी सूचना वो तुरंत निकटतम पुलिस को दें। साथ ही ऐसे सुरक्षा गैजेट्स खासकर CCTV कैमरे इत्यादि हैं, इनका उपयोग का प्रचलन बढ़ाएं और हर वो चीज़ जो कि उन्हें लगता है कि पुलिस तक पहुंचानी आवश्यक है वो दें। तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो इंदौर पुलिस जो चाहती है कि एक बेहतर सुरक्षित इंदौर बन सके उसको एक सफलता मिल सके। तो हमने बात की राजवाड़ा की जनता से, कुछ लोगों ने पुलिस के हक में बात की, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बात की। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये सब नोकझोंक तो चलती रहेंगी। इसी तरह देखते रहिए KNN का खास प्रोग्राम मेरे यानी कि काजल वर्मा के